शॉर्ट चेक कर अभी गिरी छुरी नहीं वो कार्रवाई देखें छुरी अब तो गंजा टेंशन ही नहीं है ये जो आमिर का यहाँ हाल होने वाला है ना और इन दो लड़कियों ने ऐसा बुरा हाल किया है आपको मैं दिखाता हूँ अच्छा बात करेंगे कमिंग एपिसोड की लेकिन उससे पहले मैं आपको पिछले एपिसोड की कुछ चीजें दिखा दूं जिसमें हम लोग सेंसर वगैरह लगाते हैं तो वो हम ऐसे ही नहीं लगाते तो उसमें कुछ ऐसी गालियां वगैरह होती हैं उसको उसके लिए हमें सेंसर की जरूरत पड़ती है तो ये जो राबेल और सिद्रा है इन लोगों की तो यार बड़ी लड़ाई वगैरह चल रही थी लेकिन यहाँ पर आकर तो यार अलग ही किस्म का माहौल बन गया मतलब कि इनकी ऐसा पैचअप हो गया तो वो जो सेंसर वाली चीज है वो मैं आपको थोड़ा सुना दो जब आप लोग फूल वाला टास्क देखेंगे कसम से इतनी मुश्किल आ थी कि एक तो पब्लिक को भी नहीं बताना कि शूट हो रहा है ना कंटेस्टेंट उनको बता सकता है कि हम टास्क करने हैं कुछ लोगों ने तो इतना बुरा हाल किया है फूल वाले टास्क में और लोग कंटेस्टेंट होगा इतना बुरा हाल हुआ है कि तौबा 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 आप लोग देखते हैं प्रैंक शो तो उसपे तो कैमरा वैसे ही फिक्स होता है और स्क्रिप्टेड होता है क्योंकि सबको पता है कि भाई ना कैमरा हिल रहा है तो सुकून से मजे से हो रहा है कैमरे के सामने पर हमारे वाले में तो एक अजियत हो गया था कि लोगों को पता भी नहीं चले ना कंटेस्टेंट बता सकता है और हमें टास्क भी पूरा करना है नहीं जा सकते ना इससे नहीं यार पर बॉयज संकल से बात की तूने संकल से बात की किसे किसे नहीं वो नहीं सुन रहे अबे सुनेंगे कल ना इधर आओ बाकी ये जो राबेल जो जा रही है इसके जाने से लोगों को बड़ी खुशी हुई होगी मुझे बड़ा दुख है उसकी वजह ये है कि सबसे मतलब एनर्जेटिक कंटेस्टेंट है सुबह सुबह का टाइम था और ये दोनों लड़के सो रहे थे अब आप इसमें देखेंगे कि दो वैसी लड़कियां भागती हुई आती हैं और उनका क्या हाल करती है इस लड़की ने इंतहा कर दी मतलब इतनी अजियत कौन देता है शो जीतने के लिए इतना कड़वापन क्यों मजा तो अब आएगा आपको जब ये आपको पता चलेगा अगले एपिसोड में कि तंग करने वाला की है या जो तंग नहीं हो रहा था जितने इतनी मुश्किल झेल ली या वो गया मजा तो अब आएगा अगले एपिसोड में अच्छा यहाँ पर जो है हमाद ने एक बात बोली है अबिया को बोली है अभी बताया तुम कि हमाद ने वो बात अबिया को बोली है और वो जो बात बोली है ना अगर डिस्क्लोज करूँ तो शायद ये यहाँ किसी को मूवी ना दिखाए